हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना और मेरे चैनल कुक विद चेतना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूं मुरमुरे से एक बहुत ही टेस्टी नाश्ता, जो कि बहुत ही कम तेल में बन जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत चटपटा भी होता है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी नाश्ता। फ्रेंड्स, आज मैं ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनाने वाली हूँ। तो देखिए, मैंने सिर्फ एक चम्मच तेल ही लिया है। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, मैं इसमें बाकी चीजें डालूंगी। तेल गर्म हो गया है तो सबसे पहले मैं इसमें एक चुटकी हींग डालती हूँ, आधे से थोड़ा कम है ये हल्दी पाउडर। 8-10 मैंने करी लीव्स ली है, इन्हें भी तेल में डाल देंगे। अब सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी जो मूंगफली दाना था, तेल में उसे डालकर हल्का रोस्ट कर लेंगे। चलाते हुए जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे ऐसे चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है वरना ये बहुत जल्दी जलने लगता है। देखिए, मूंगफली के दाने हो गए हैं, तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे ये जो मखाने थे, इन्हें भी ऐसे ही चलाते हुए हल्का रोस्ट कर लेंगे। देखिए, मखाने भी अच्छे रोस्ट हो गए हैं, तो इसी के ऊपर से हम डाल देते हैं जो हमारे मुरमुरे हैं, यानी जो लैया है वो डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे सभी चीजों में। लैया भी अच्छी रोस्ट हो गई है, तो अब जो हमारे पास ये सेव थी आलू की भुजिया, ये भी हम डाल देंगे। अगर आलू की भुजिया की आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। फिर से मिक्स करेंगे। अब इसे मैं कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ जिनसे इनका टेस्ट बढ़ जाएगा। 1/2 चम्मच इसमें नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि आलू भुजिया भी थोड़ा चटपटी है। अब 1/2 चम्मच मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल रही हूँ, यानी जो खटाई पाउडर होता है वो डालकर फिर से इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमारी नमकीन बनकर एकदम तैयार हो गई है, तो चलिए इसे मैं प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार हो गया है मुरमुरे का एकदम चटपटा नाश्ता, और देखा आपने, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, झटपट बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरीके से मुरमुरे से बनाइए नाश्ता, बच्चों को खिलाइए और चाय नाश्ते का मजा लीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।